अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग द चिनाब टाइम्स। हियर कम्स अ बिग अपडेट। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लीडर असदुद्दीन ओवैसी क्लेम्ड सम मिसक्रिएंट्स ओवर फायर्ड एट हिज व्हीकल इन मीरठ। दिस इज अ बिग अपडेट राइट नाउ। न्यूज एजेंसी एनआई रिपोर्टेड द एआईएमआईएम लीडर सेड व्हेन ही वाज लीविंग फॉर दिल्ली आफ्टर एन इलेक्शन इवेंट इन मीरठ ऑफ उत्तर प्रदेश, 3-4 राउंड्स ऑफ बुलेट्स वर फायर्ड एट हिज व्हीकल नियर छाजरसी टोल प्लाजा। He said there were 3-4 people and 2 people open fired. Tires of the vehicles were punctured in the attack and he left for Delhi in another vehicle, Ovaisi further said. आज हम सुबह में दिल्ली से निकले, हम मीरठ में और किठौर में हमारा पदयात्रा था। मीरठ में पदयात्रा हो गई, हमने मीडिया आडिया से आपके जिम्मेदार थे बात की और फिर वहाँ से हम किठौर गए। किठौर से हम मेरे ख्याल से हमने 3 बजे से 3:45-3:50 तक हमने वहाँ पर पैदल दौरा किया। फिर हमारे नुमान रोफिल साहब के घर में हम गए, वहाँ पर थोड़ा बहुत लंच का चाय का इंतज़ाम था, करके नमाज़ पढ़े और वहाँ दिल्ली आने के लिए जब हम इस पिलखुवा के पास जो टोल गेट है वहाँ पर हम पहुँचे, हमारे साथ 4 गाड़ियाँ थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब, गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज़ आई। तो हम बोले क्या हुआ, फिर दूसरी आवाज़ आई तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे यामिन खान, बोले भाई हमला हो रहा, हमला हो रहा। तो हम हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहाँ से निकले। फिर और एक आवाज़ आई, जब निकल रहे थे एक और आवाज़ आई। तो मेरे ख्याल से 3-4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो हमारा, क्योंकि हमारी गाड़ी से उसकी गाड़ी को हमने पुश किया मारा, राइट साइड का टायर पंचर हो गया। फिर एक वहाँ एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था, हमारे पीछे जो फॉर्चुनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चलाई, चढ़ा दी एक ऊपर, जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक वाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो वाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पर गोली चलाया। तो अब हमारी थोड़ी देर पहले एडिशनल एसपी वहां से जो है जिम्मेदार, उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हाँ सर, आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला, हथियार भी मिला और एक शूटर पकड़ा भी गया। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जाँच करवाई जाए और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे, और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद ज़रूरी है। सुनिए, और हम स्टेट गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट दोनों से ये कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसके पीछे दिमाग किसका है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि टोल गेट के ऊपर ये लोग 4-4 राउंड फायरिंग एक सिटिंग एमपी के ऊपर करते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, हमको खैरियत से हैं, मगर अल्लाह बचाना जब चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, मगर आज ये हुआ है। अभी देखिए हम तो क्या उम्मीद करते हैं कि कौन हो सकते हैं आखिर। नहीं, मुझे देखिए हमको कई बार लोग धमकी देते हैं, कई बार बहुत सी बातें करते हैं। प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ वहाँ पर भी हम पर काफ़ी गालियाँ दी गई, और फिर आपके हमारे घर पर भी हम कई मरतबा हमला हुआ। तो अब ये सरकार का काम है कि इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसका सही तरीके इनको पकड़ा जाए। पार्लियामेंट अभी चल रहा है, पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन उठाना चाहेंगे, आप बात करना चाहेंगे? जरूर, पार्लियामेंट है, स्पीकर साहब से मिलेंगे, स्पीकर साहब से बात करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिख रहे हैं और सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करेंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम खैर।